अब मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट सी प्रोग्राम, सी का एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम बताऊंगी जिसके हेल्प से आपके काफी कुछ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप माइंड से ये चीज निकाल दीजिए कि प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी डिफिकल्ट होती है, प्रोग्रामिंग बहुत इजी होती है अगर आप उसको एक गेम की तरह ट्रीट करें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी इसके रूल्स और आपको प्रोग्रामिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एम क्या है कि हमें दो नंबर्स को एड करना है, तो दो नंबर्स हमारे मान लिया है 2 और 3 या कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, उनको हम प्लस करके हम क्या चाहेंगे उसका रिजल्ट एक तीसरे नंबर में आ जाए। तो हमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब जैसे आप किसी को कोई रेसिपी सिखाते हो तो ऊपर आपको इंग्रेडिएंट्स बताने पड़ते हैं कि इन इन इंग्रेडिएंट्स की हमें इस सामग्री की हमें जरूरत पड़ेगी। तो वैसे ही हमें यहां पर इस चीज को क्या बोला जाता है, डिक्लेरेशन, मतलब हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमें इन 3 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, किसकी, ए बी और सी की। तो ये ए बी सी यहां तक तो समझ में आ गया होगा, अब ये इंट क्या चीज है। अब देखो एडिशन भी बहुत सारी चीजों पे परफॉर्म हो सकता है, ये होल नंबर्स हैं, हो सकता है हम पॉइंट वाले नंबर्स पर काम करें, तो ऐसे अलग अलग तरह के, हो सकता है हम बहुत बड़े नंबर्स पर काम करें, हो सकता है हम छोटे, या हो सकता है हम साइन वाले, बिना साइन वाले, कोई से भी नंबर्स यूज कर सकते हैं। तो उनमें से ही एक क्या होता है, इंट। इंट का मतलब क्या होता है, इंटीजर, या उसका यूज कहां होता है, होल नंबर्स के लिए यूज होता है, उसका यूज कहां होता है, होल नंबर्स के लिए। अगर आप पॉइंट वाले नंबर्स पर एडिशन परफॉर्म करना चाहते हो तो आप उसकी जगह पे क्या लिख दोगे, फ्लोट लिख दोगे। तो इस डिक्लेरेशन में क्या है, इंट जो है ये क्या है, डेटा टाइप है, और ये क्या है, हम क्या बता रहे हैं कि हम 3 इंटीजर्स का यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम में। तो ये क्या हो गया, टाइप डिक्लेरेशन हो गया। जैसे हम इनको डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, इनको मेमोरी मिल जाती है, ए को भी मिल जाएगी, बी को भी और सी को भी। अब वो कितनी बाइट्स मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी। तो इन तीनों को क्या मिल गई, मेमोरी मिल गई। अब ये दो लाइंस तो समझ में आ गई, अब हम देखते हैं कि ये हमने यहां पे ये क्या लिख रखा है, वॉइड मेन। अब हर एक सी के किसी भी प्रोग्राम में ये जो फंक्शन है, ये क्या होता है, फंक्शन होता है, ये बहुत जरूरी फंक्शन होता है। मतलब हम बता रहे हैं कि ये क्या है, हमारा मेन फंक्शन है। जैसे आप भी कोई पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करते हो तो उनमें से एक मेन होता है, आप हो सकते हो मेन या कोई भी मेन हो, तो ये क्या है, मेन फंक्शन होता है जो बाकी सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये मेन फंक्शन है और स्टार्टिंग हमेशा यहीं से होती है। तो ये मेन फंक्शन है, ये पैरेंथेसिस है, अब ये क्यों लगाए हैं ये हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। और ये जो वॉइड है ये क्या है, रिटर्न टाइप है, ये चीज क्या है, रिटर्न टाइप। अब कुछ फंक्शंस कुछ रिटर्न करते हैं, कुछ कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं। ये मेन फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, वॉइड, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये सिर्फ अपना काम करेगा, किसी को कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो ये वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप। किसी भी फंक्शन की स्टार्टिंग कहां से होती है, इस कर्ली ब्रैकेट से, और उसकी एंडिंग कहां पे होती है, इस वाले क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट पे होती है। मतलब ये मेन हमारा एक फंक्शन है जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसकी यहां स्टार्टिंग हुई, यहां पे एंडिंग हुई, और ये पूरी इसकी क्या है, बॉडी है। बॉडी मतलब ये वाले काम ये करने वाला है। ये हो गया इसके बाद में। अब हमने क्या किए हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ बिल्ट इन बने बनाए या रेडीमेड फंक्शंस का यूज करते हैं। मतलब सारे काम हम खुद करें उससे हम कुछ रेडीमेड चीजों का भी यूज करते हैं, और वो रेडीमेड चीजें भी किसी ना किसी शॉप पे मिलती है। तो वैसे ही है, हमने यहाँ पे किन बिल्ट इन फंक्शंस का यूज किया है, एक ये है CLR SCR, जो स्क्रीन को क्लियर करती है, मतलब आउटपुट स्क्रीन को क्या करती है, क्लियर करती है। तो ये क्या है, बना बनाया फंक्शन है। ये क्या करेगा, जैसे ही हम इसको लिखेंगे, जैसे ये रन होगा तो आउटपुट स्क्रीन क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा हमने ये एक और रेडीमेड बिल्ट इन फंक्शन का यूज किया है, printf। इसका क्या काम होता है, डबल कोट्स में हम जो कुछ भी लिखते हैं इसके अंदर, वो हमारे स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। ये मैं अभी समझाऊंगी। फिर आता है getch। getch क्या करता है, जैसे कुछ कुछ कंपाइलर्स में, कुछ कुछ एडिटर्स में इसकी जरूरत पड़ती है, कुछ कुछ में नहीं पड़ती है। तो getch क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन को तब तक रोके रखता है जब तक हम कुछ प्रेस ना कर दे, कोई की प्रेस नहीं कर दे। मतलब वो getch किसी कैरेक्टर का वेट करता है तब तक उस आउटपुट स्क्रीन को रोके रखता है। इसको मैं एक प्रोग्राम रन करके बताऊंगी। तो हमने ये 3 बिल्ट इन फंक्शंस, रेडीमेड फंक्शंस यूज किए हैं। अब ये फंक्शंस कैसे काम करेंगे, वो कहां पर डिफाइन रहता है, हेडर फाइल्स में। तो हेडर फाइल्स क्या होती है,
कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन. सभी के लिए आप ये समझ लीजिए हेडर फाइल्स क्या होती हैं, कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन. अब प्रिंटएफ कैसे काम करेगा ये किसको पता है, इस stdio.h को पता है, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. इस हेडर फाइल के अंदर प्रिंटएफ की डेफिनेशन दी गई है कि प्रिंटएफ कैसे काम करेगा, इसलिए ये जरूरी है कि उसे हम अपने प्रोग्राम में क्या करें, इंक्लूड करें. तो हमने क्या किया है, इस stdio.h को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड किया है इस प्री प्रोसेसर की हेल्प से. तो हैश इंक्लूड stdio.h, ये एंगल ब्रैकेट, ये इसका सिंटेक्स होता है, ये हमें हमेशा लगाना पड़ेगा. तो इसकी हेल्प से हमने क्या किया है, stdio.h को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड किया है, शामिल किया है. अब ये clrscr कैसे काम करेगा ये किसको पता है, conio.h को, मींस कंसोल इनपुट आउटपुट. इस चीज को ये पता है कि ये clrscr कैसे काम करेगा, इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम क्या करें, इस conio.h को भी हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करें. तो ये इन दोनों लाइंस का मतलब क्या है, हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में इंक्लूड करना ताकि हमारी बिल्ट इन फंक्शंस काम कर सकें. वॉइड मेन किसी भी प्रोग्राम का एक जरूरी हिस्सा होता है क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होती है. ये इसकी बॉडी की स्टार्टिंग, बॉडी की क्लोजिंग. clrscr क्या करेगा, स्क्रीन को क्लियर करेगा. यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम क्या क्या चीजें हमारे प्रोग्राम में यूज करेंगे. यहाँ पे हम उन दोनों को ऐड कर रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन है. यहाँ पे आउटपुट को प्रिंट कर रहे हैं. अब हम देखते हैं प्रोग्राम कैसे रन होगा. स्टार्टिंग में क्या हुआ है, clrscr है. तो अगर हमारी आउटपुट की जो स्क्रीन है अगर उस पर पहले से कुछ होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. इसके बाद में int a b c, जैसे ये स्टेटमेंट रन होगा इन तीनों को मेमोरी मिल जाएगी. फिर क्या हुआ, c इज इक्वल्स टू a प्लस b. यहां पे मैं एक चीज भूल गई थी, यहां पे हमने a और b की कोई वैल्यू नहीं दी है. तो यहां पे आप इसी के बाद में क्या कर दीजिएगा, a इज इक्वल्स टू, मान लिया हम अज्यूम कर रहे हैं 10, b इज इक्वल्स टू 20, मान लिया हमने दे दिया. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी. b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी. अगर हम ये नहीं भी लिखते हैं तो वो क्या करेगा, कुछ भी इनकी रफ गार्बेज वैल्यूज दे देता है, वो चीज हम बाद में देखेंगे. तो a इज इक्वल्स टू 10 हो गया, b इज इक्वल्स टू हो गया 20. अब क्या होगा, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, मीन्स c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 प्लस 20, मतलब क्या हो जाएगी, 30. तो a मीन्स 10, ये 20, 10 प्लस 20, c इज इक्वल्स टू 30 हो गया. अब काम आता है हमें इसको प्रिंट करना है. तो अगर हम लिखते हैं सिंपली प्रिंट एफ, अगर हम ऐसे लिखते हैं डबल कोट्स में सी, तो हमारे आउटपुट में क्या आ जाएगा, बस सी आ जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं आएगी. तो किसी भी चीज की अगर हमें वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम ऐसे लिखते हैं परसेंट डी. अगर हम इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, परसेंट डी. अब सी क्या है, एक इंटीजर है, तो हमने क्या लिखा है, परसेंट डी. अब प्रिंट एफ को जैसे ही परसेंट डी मिलेगा मतलब समझ जाएगा कि कोई वैल्यू या किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होने जा रही है. तो वो सीधा इस डबल कोट से बाहर चला जाएगा और देखेगा कौन सा वेरिएबल है. तो यहां पे उसको क्या मिला, सी. तो ये परसेंट डी ना प्रिंट करके क्या प्रिंट कर देगा, सी की जो भी वैल्यू है. तो सी की वैल्यू क्या है, 30 है. तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा. कैट सी एच का मीनिंग क्या है, ये आउटपुट आने के बाद भी स्क्रीन एज इट इज रहेगी. जैसे ही आप एंटर की या कोई भी की प्रेस करोगे वैसे ही आउटपुट स्क्रीन क्या हो जाएगी, चली जाएगी. तो ये है हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. मैं ऐसे बहुत ही ज्यादा बहुत सारे वीडियोज बना के आपको धीरे धीरे करके प्रोग्रामिंग समझाऊंगी.